ये भाई साहब जो हैं सामने, ये यहाँ पर रिसेप्शन पे बैठते हैं। ये इनका कॉमन एरिया है, यहाँ पर इनका लगेज रूम है। इनकी पार्टी का तामझाम जो होने वाला है, अभी 8 बजे होगा बियर बॉन्ग का, और विनर का भी लिखा हुआ है इसमें। ये इनका बार है, ये इनका कैफे है, रेस्टोरेंट भी बोल सकते हैं आप। चलिए ऊपर जाके इनके रूम स्टार्ट हो जाते हैं, एंड ये जो है इनका वेटिंग एरिया। मॉर्निंग में हम लोग जल्दी आ गए थे, चेकिंग पॉसिबल नहीं था, तो हम लोग यहीं पे ही रुके हुए थे, एंड यहीं पे खाना पीना खा रहे थे अपना। अभी रात में यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी कुछ होने वाला है, तो स्विमिंग पूल आपको उसी में दिख जाएगा, अंदर से भी दिखाता हूँ। फिलहाल फटाफट करते हैं चेक इन, और यहाँ पे चेक इन करते हैं, आपको रूम दिखाते हैं। हम लोग जा रहे हैं अपने रूम में। ओके, तो ऐसा सा कुछ रूम है भाई, लोग सो रहे हैं क्या यार, नीचे के मिल के ऐसा सा कुछ लगता है। ये इनका डॉर्म, ये लॉकर्स हैं, आप देख ही रहे हैं, अच्छे वाला साफ सुथरा दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, फटाफट रेडी होते हैं, नहाते धोते हैं। ऐसा सा कुछ इनका वॉशरूम लगता है इस हॉस्टल का, उधर से आपको दिखा देता हूँ। ये शार एरिया इनका, निकलते हैं नीचे तैयार शहर होके। गाइज इट्स ऑलमोस्ट 8 o'clock और पिंग पोंग स्टार्ट होने वाला है। हेलो, हाउ आर यू? यहाँ पर होने वाली है पूल पार्टी। हेलो, तो गाइस ये फ्री बियर है जो कि मेरे किसी काम की नहीं है, मनीष सर को जाएगी। इसकी एक टाइमिंग है 7 से, जितनी मर्जी लो, जितनी मर्जी पीलो, 7:40 हो रहे हैं अभी, 8 बजे तक जो पीलो का पीलो। तो इसके तो पैसे इसमें वसूल हो जाएंगे सर, 7 से 8 जितनी मर्जी बियर पी लो। इस हॉस्टल में आने के बाद 8 बज गए हैं, एंड ये जिन जिन को बियर दे रहे थे वो बंद हो गई है अभी। भाई साहब अनलिमिटेड बियर दे रहे हैं, जितनी मर्जी पीलो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो लोग बियर पीते हैं उनके लिए ये जगह जन्नत है भाई साहब। फिलहाल मैं आपको आगे दिखाता हूँ, पिंग पोंग स्टार्ट होने वाला है अभी, बाहर का माहौल आपको दिखाया था एक बार। हॉस्टल के बाहर ही ये भाई साहब बैठे हुए हैं, गाने वाने गा रहे हैं यहाँ पर। बाय द वे मैं एक चीज बता दूं आपको, ये मैंने सापा में भी देखी थी, लोग कैरी ओके बहुत करते हैं यहाँ पे। क्या मस्त लग रही है रात में मार्केट, क्या हाल है भाई? दिल्ली मैंने देखा यार, अकेले बैठ के यहाँ पर आइसक्रीम खाई जा रही है। क्या अकेले आए हो? अरे वाह, घूमने कलकत्ता से हो? नेम शरद, अरमान, सेम है बड़ी। यहाँ पर अभी पब क्रॉल होने वाली है, आपके हॉस्टल में होने वाली है? क्या होने वाली है? पब क्रॉल आपके हॉस्टल में हो रही है? नहीं मुझे पता नहीं, अरे ज्वाइन कर लेना बाद में, इससे निकलेंगे ना लोग, ज्वाइन कर लेना। हाय, तो हमारे इंडियन मिले थे भाई साहब, तो अकेले बैठे हुए थे, मैंने कहा जाता हूँ थोड़ी सहानुभूति देता हूँ उन्हें, अच्छा लगेगा उन्हें भी कि हाँ कोई है अपना। ऐसा होता है बाहर निकल के। ऊपर चल रहे बारबेक्यू, इनका क्रैब्स वगैरह सब मिल रहे हैं भाई साहब, जो भी यहाँ बस ये सब खाता है तो उसकी तो चांदी चांदी है। भाई साहब कैरियोके कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, पर कैरियोके का बड़ा चलन सा है। गेम स्टार्ट हो रही है, फटाफट मैं जा रहा हूँ अंदर, रेडी हो रही है, लेट्स गो। ये स्टेयर्स कहाँ पे जा रही है आई हैव नो आइडिया, ये तैयार कर रहे हैं भाई साहब। एक्चुअली इसमें ना 2-3 जगह लगा दी है, जो जीतेगा उसके लिए प्राइस दिया है। भाई साहब ना यहाँ पर सबके नाम लिख रहे हैं, एंड में ना एक पार्टनर होता है एक दूसरे का, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, फिल कर रहे हैं इसको, इसमें बॉले डालनी है कप में। ये सब बार बार जीत रहे हैं और जो हार रहा है वो बार बार पी रहा है। गेम हो गया डन, सीधा चलेंगे हम लोग पब क्रॉलिंग के लिए। बेसिकली पब क्रॉलिंग में क्या होता है, ये लोग जाएंगे अलग अलग पब, यहाँ पर ड्रिंक करेंगे, एंजॉय करेंगे, डांस वगैरह करेंगे, दैट्स इट। ये होता है पब क्रॉलिंग, यहाँ पर कॉमन है, पूरा ग्रुप जा रहा है, पीछे भी हमारे हॉस्टल्स के लोग आ रहे हैं। देखो कैसा होता है पब क्रॉलिंग, दिन में मैंने दिखा दी थी आपको कि मार्केट कैसी लगती है, रात में कैसी लगती है वो भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक आइटम्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, अगर आप लोग सापा या हाजियांग जा रहे हैं तो वहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत चीप में मिलेगा, तो वहाँ पर तो आप ले ही सकते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से खाया जाता है, एंड इसी तरीके से बैठ के ये लोग एंजॉय करते हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। लोग यहाँ पर भी फ्रेंडली हैं, बट सापा एंड हाजियांग में ज्यादा फ्रेंडली थे और ज्यादा हम्बल थे। तो गाइस ये क्लब है जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। So guys, ये क्लब है यहाँ का। What are we gonna do now? Drink and then think what they probably do is pick everybody up. And then go again. आगे तक होके आता हूँ मैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर। आपको मुश्किल से कुछ दिख रहा होगा।